फ्रेंड्स, यदि सारी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं एक ऐसा घरेलू आसान तरीका जिसकी मदद से आप प्लांट में न केवल ग्रोथ पाएंगे बल्कि प्लांट पूरी गर्मियों फूल देता रहेगा। क्योंकि हम यदि प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देते हैं, लेकिन यदि प्लांट ग्रोथ नहीं करता है तो उसका एक रीज़न पौधे की सॉयल का पीएच गड़बड़ हो जाना होता है। तो ये जो मैं तरीका बताऊंगी, इस तरीके से न केवल पौधे की पीएच बैलेंस होगा बल्कि मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, जड़ें बहुत अच्छी तरह से उसे अवशोषित कर पाएंगी, पौधे में फूल का साइज़ बहुत बड़ा होगा और पौधे की ग्रोथ भी लगातार बनी रहेगी। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले आपको 2 से 3 बातें अपने प्लांट्स पर ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी यदि हम ये सावधानी अपने प्लांट्स पर नहीं रखते हैं तब भी हमारा प्लांट फूल नहीं देता है या पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। सबसे पहला काम, पौधे में यदि फ्लॉरिंग हो चुकी है और फूल इस तरह से सूख गए हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाना होगा। जब आप प्लांट में से, पौधे में से सूखे हुए फूल हटा लेते हैं तो इस तरह से नई ग्रोथ चलती रहती है और नई ग्रोथ जब होती है तो नई ब्रांच पर फूल भी आते रहते हैं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी ज़रूरी बात, पौधे की सॉइल की गुड़ाई करने की। महीने में एक बार आपको अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर करनी है। ख़ासतौर पर जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों तक अच्छे से हवा पहुंच जाती है, जड़ें मजबूती से विकास करती हैं और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो बहुत जल्दी हमारे प्लांट में अपना फ़ायदा दिखाना शुरू कर देता है। तीसरा काम, पौधे को इंसेक्ट फ्री रखना होता है। इंसेक्ट फ्री रखने के लिए आप पौधे को समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। इस बात का आपको वेट नहीं करना है, प्लांट में जब इंसेक्ट लगेंगे या फंगस लगेगा तब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आपको महीने में एक बार नीम ऑयल का अपने प्लांट्स पर स्प्रे ज़रूर करना है। गर्मियों में आपको प्लांट में अच्छी तरह से वाटरिंग भी करनी है, क्योंकि तेज़ धूप की वजह से मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है और यदि आप बहुत दिनों तक पानी नहीं देते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाएगा और प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, पानी रुका नहीं रहना चाहिए सॉइल में, बाकी आप इस तरह से पानी दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अपने प्लांट पर पूरी गर्मियों भर अच्छे फूल पा सकते हैं और उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये जो चीज़ मैं अपने प्लांट पर यूज़ करने वाली हूँ, इसको आप महीने में एक बार अपने प्लांट पर डाल दें। इससे ही मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है और पौधे में अच्छी मात्रा में फूल और फल लगने लगते हैं। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये कॉफ़ी पाउडर। ये हम सभी के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होता है और सबसे बड़ी बात कि ये प्लांट के सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। इस कॉफ़ी पाउडर की ज़्यादा मात्रा आपको प्लांट में यूज़ नहीं करनी है। और दूसरी ज़रूरी बात, इसको आपको तेज़ धूप में भी अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है। आप सुबह या शाम के समय इसका लिक्विड बनाकर प्लांट में डाल सकते हैं। तो इसको डालने के लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में मैं ये ले रही हूँ 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इसको आपको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो 1 लीटर पानी है, पॉट की साइज़ के हिसाब से आप 100 ml, 50 ml, जिस हिसाब से बड़ा पॉट है तो आप 200 ml तक इसमें ये पानी डाल सकते हैं। बस इसको आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, सिर्फ महीने में एक बार ही आप इसका यूज़ करें और प्लांट की संख्या के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी कॉफ़ी पाउडर का ग्रोथ लाने के लिए, फूल फल लाने के लिए यूज़ करें। थैंक यू।